नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चाएं खास। आज हम बात करेंगे ओम राउत की निर्देशित फिल्म आदि पुरुष की, जो कि टीजर रिलीज होने के बाद विवादों में आ गई है। विवाद की वजह कई हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे जो राम भगवान का कैरेक्टर दिखाया गया, जो रावण का कैरेक्टर दिखाया गया और जो भगवान हनुमान का कैरेक्टर दिखाया गया, उसको लेकर विवाद है। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। मैम, हमारे साथ इस सबके लिए चर्चा के लिए मौजूद हैं दखल न्यूज की संपादक शैफाली गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो राम भगवान का कैरेक्टर जिस तरह से ये 2.5 घंटे की मूवी का ट्रीजर रिलीज हुआ है, उसमें जैसे दिखाया गया है, ऐसा लगता नहीं कि 2.5 घंटे में ये सब कुछ राम भगवान को दिखा गया? और जिस तरह से विवाद पैदा हो रहे हैं, उससे आपत्ति हुई, हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति जाहिर की है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो आपत्ति जो आई है वो उनके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े उनको पहनाए गए हैं, और जो मतलब पूरा ट्रीजर देखने के बाद मुझे ऐसा फील आया जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो या कोई कार्टून फिल्म चल रही हो। तुमको क्या लगता है, रामायण तुम्हारे जहन में कैसे आती है, क्या दिखता है तुम्हें रामायण के? देखिए, जैसे हम लोगों को रामायण दिखाएगी, हम लोगों ने बहुत एपिसोड रामायण के देखे, उसके बाद एक दिमाग में बैठी कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। जो ट्रीजर रिलीज हुआ है, जिस तरह से रावण को भी दिखाया गया, जिस तरह से हनुमान जी को भी दिखाया गया, ऐसा लगता है जैसे रावण में सैफ अली खान, जो सैफ अली खान है जो उन्होंने भूमिका निभाई, उससे तो ऐसा लग रहा है एक निर्देशक ने अपनी छिछोरी हरकत की है इसमें। जैसे ही रावण को दिखाया आतंकवादी जैसे, तो सैफ अली खान का चेहरा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि खिलजी वहां पे आ गए। नहीं, दूरदर्शन में जैसे हमने रामायण देखी और उस वक्त हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरितार्थ देखा, जो उनके वस्त्र देखे, वल्कल में वो वन में चले गए थे, है ना, पिता ने एक आदेश किया था, और जो राज सिंहासन जिनका राज्याभिषेक होना था, और उनको कहा जाता है कि अब आपको 14 वर्ष वनवास पर जाना है, तो उनकी पत्नी उनके संग हो ली, उनका भाई उनके संग हो लिया, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए पैरों में खड़ाऊ और वल्कल पहनकर वन के लिए निकल पड़े थे। ठीक है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। और रामलीलाओं में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा, रामलीलाओं में भी बहुत क्षणिक, कुछ घंटे की रामलीला दिखाई जाती है, तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बहुत ही सौम्य तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगा जैसे हिंदू धर्म और हमारे भगवान सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों के लिए एक मजाक बनाने के पात्र बनकर रह गए हैं। मजाक की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र मूवी इसके पहले रिलीज हुई थी, उसके बाद ये मूवी आई, जिसमें देखो वो हिंदू धर्म को सिर्फ मजाक बनाने के लिए। अब इसमें जो कैरेक्टर दिखाए गए वो कार्टून से कम कैरेक्टर नहीं लगते हैं। आप राम भगवान को देखिए, तो राम भगवान के जो स्लीपर पहनाकर राम भगवान को इसमें दिखाया गया, टीजर एक रिलीज हुआ। अपन चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले बैठकर कैमरे के पीछे, जो भगवान राम थे वो खड़ाऊ पहनकर निकले थे मन में, और उनके खड़ाऊ का क्या हुआ था, वो भरत जी ने भी खड़ाऊ ले लिया था। जी बिल्कुल, राज्य उन्होंने, भरत ने निवेदन किया था श्री राम से कि आप वापस चलिए अयोध्या और अपना राज्य भार संभालिए, तो भगवान श्री राम ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं 14 वर्ष का वनवास काटूंगा, उसके बाद लौटूंगा। तो भरत ने ये कहा था कि ठीक है, आप अपने खड़ाऊ दे दीजिए, मैं राज्य सिंहासन पर रख दूंगा, और 14 वर्ष आपके खड़ाओं से हमारा जो अयोध्या है उसका राज्य चलेगा। ये आदि पुरुष में चप्पल ही कहां से आ गए? बिल्कुल, वो जूता कहां से लाए मोची भाई, डायरेक्टर साहब आप कहां से वो मोची ले आए कि राम भगवान को अपने जूते पहना? सवाल तो ओम राउत पे खड़े हो गए कि ये चप्पल, ये मोची कहां से ले आए जो चप्पल बना दिया। और दूसरा, आप मुझसे बात कर रहे थे कि सैफ अली खान जो रावण का रोल, भाई रावण देख तो लेते, चंगेज खान लग रहा है, वो गौरी खान जो लूटने आया था हमारे भारत को, बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है। क्या सुरमा लगाया काजल, है ना? और भाई आपको डायरेक्टर साहब अगर ये नहीं पता था, सैफ अली का को तो नहीं पता होगा, इतना तो मुझे मालूम है, डायरेक्टर साहब आपको अगर नहीं पता था तो आप जानकारी हासिल कर लेते कि रावण एक ब्राह्मण था, उच्च कोटि का ज्ञानी ब्राह्मण था, और ब्राह्मण चोटी धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और रावण जो था वो इतना ज्ञानी ब्राह्मण था कि उसने शिव तांडव स्त्रोत जो है वो गाकर, वो लिखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जो शायद ओम राउत से भी न बने। ओम राउत शिव तांडव स्त्रोत की एक लाइन नहीं बोल सकते, है ना? लेकिन और उन्होंने क्या किया, सैफ अली खान को रावण बनाया, और ऐसा रावण, चोटी तो गायब है ही है, स्पाइक बना दिए। भाई कहां से लाए आप वो सलून और वो हेयर ड्रेसर और ये सब, कहां से आपको ये नाई मिला जंगल में कि आपने स्पाइक बना दिए? मैं मजाक समझ के रखा है क्या आपने? हर साल रावण का दहन होता है, रावण का सम्मान भी हमारे देश में उतना ही है। रावण एक ऐसा
ब्राह्मण था, जब उसकी मृत्यु हुई भगवान श्री राम ने जब तीर मारा उनको, तो भगवान श्री राम ने अपने भाई से बोला कि भाई ये जब तक प्राण त्यागे उनसे आप ज्ञान लीजिए, है ना, पूजनीय थे, ज्ञानी थे रावण, उनसे गलती हुई थी, उन्होंने माता सीता का हरण किया था। मूवी में ये भी देखा होगा रावण वो पुष्पक विमान में जाता था, इस मूवी में पता नहीं कहां से ज्ञान प्राप्त, जैसे हॉलीवुड की फिल्म चल रही है और बैटमैन आ रहा है तो चमगादड़ में ऐसा कुछ बैठ के पुष्पक विमान, आप इमेजिन नहीं किए थे कि कभी हवाई जहाज जैसा कोई वाहन होगा जिससे आप हवा में यात्रा करेंगे। उस वक्त रावण के पास पुष्पक विमान था और उस विमान से जब श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली थी लंका पर, और उसी विमान से वो अयोध्या लौट के आए थे। बहुत पूजनीय, गरिमामय, और आपने क्या बनाया, एक चमगादड़ चील जैसा कोई बैटमैन हॉलीवुड की फिल्म का। हाँ, कुछ तो नहीं, ये बॉल लाए हैं ओम राउत, आपके पास इतनी बुद्धि आई कहाँ से? बुद्धि इनको हॉलीवुड वाले दे रहे हैं, हॉलीवुड से ये लेकर आते हैं, वही चिपका देते हैं, ग्राफिक्स का पूरा कमाल दिखाते हैं, एक्टिंग वेक्टिंग तो अब सत्यम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एक बड़े से हॉल में ग्रीन क्रोमा और क्रोमा के ऊपर सारा का सारा फिल्म जो है शूट हो गई और ग्राफिक आर्टिस्ट बैठ के पूरा का पूरा 500 करोड़ की फिल्म बना रहा है और ये इस तरीके का टीजर दिखाकर सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरीके का टीजर आउट किया गया। देखिए शेफाली जी, ये पब्लिसिटी के जरिए ये हमारी अपकमिंग जो जनरेशन है उसके ज्ञान को बर्बाद करिए, जो हमारा इतिहास है इतिहास को भी बर्बाद कर रहे हैं। सत्यम ये बहुत साफ है कि भगवान राम को हमने या किसी ने भी नहीं देखा, माता सीता हमने नहीं देखी, लक्ष्मण जी हमने नहीं देखे, लेकिन हम हमारे जो बुजुर्ग रामायण पढ़ते हैं या हम जो रामायण पढ़ते हैं और हमारे पूर्वजों ने हमको भगवान राम, भगवान माँ सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी रामायण के जितने चरित्र हैं उन सब के बारे में जो हमको बताया, हमको वो इतिहास मालूम है, इसीलिए हमको इस तरीके की फिल्म के टीजर देखकर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन जो आगे की जनरेशन है उसके पास इतना वक्त नहीं है, या वो रामायण पता नहीं पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, या दूरदर्शन पे जिस तरीके का एक रामायण सीरियल आया वो अब दोबारा रिपीट होगा कि नहीं होगा, कोरोना काल में हुआ था, लेकिन अगर वो बच्चे शॉर्ट में रामायण देखने के लिए गूगल पे सर्च किए और इस तरीके की फिल्म आई तो क्या इतिहास उनके दिमाग पर छपेगा, कैसा था रावण, उनके दिमाग में कौन थे भगवान राम। भगवान हनुमान को भी लेकर के कुछ आपत्तिजनक दृश्य हैं जिसमें उनको दाढ़ी वाला दिखाया गया है और पूछ उनकी निकाल ली गई है। ओम राउत जी को शायद ये भी नहीं पता होगा सत्यम कि भगवान श्री हनुमान को श्री रामचंद्र भगवान ने ये कहा था कि धरती पर ही रहना है तुमको, कलयुग में भी हर युग में धरती पर रहना है, और भगवान श्री हनुमान का मजाक एक बार रावण ने बनाया था, उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, पूरी लंका जल गई थी, भस्म हो गई थी, तो बॉलीवुड वालों जरा संभाल के रहो, मजाक तो तुमने भी बनाया हनुमान जी का और उनका दिमाग ठनका या उनकी पूंछ में आग लगी तो शायद बॉलीवुड तो, और बॉलीवुड में सोने की लंका भी नहीं है, इतना पैसा तो नहीं होगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और रावण जैसे ज्ञानी भी आप बिल्कुल नहीं है। तो हनुमान को लेकर भी मजाक उड़ाया गया, राम को लेकर भी मजाक उड़ाया गया, बात आती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण को लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है, उनकी जो दाढ़ी बना दी गई है और जो हनुमान जी को जो वस्त्र पहनाए गए हैं उसको लेकर भी आपत्तिजनक दृश्य है। कुल मिला के सत्यम जो ओम राउत हैं उन्होंने असल में हमारे देवताओं को देखा ही, देखना देखा तो खैर किसी ने नहीं है, लेकिन एक जो मर्यादा होती है ना, जो हमारे मन में एक छाप है ईश्वर की, वो शायद वो दूर हैं, परे हैं उससे, उनने कार्टून फिल्म्स बहुत देखी हैं, उन्होंने हॉलीवुड की ये बैटमैन और स्पाइडरमैन को ज्यादा ही देख ली है, तो उन्होंने हमारे जो भारतीय, हमारे जो देवी देवता है उन्होंने उस रूप में उनको ढाल दिया है। सीता जी को लेकर भी दृश्य दिखाए गए, उनकी जो साड़ी है समझ में ही नहीं आया, वो सीता जी के लिए इनको जंगल में टेलर कहाँ से मिला, ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना दिया, वो मतलब ओम राव थोड़ा तो दिमाग लगा लेते कि जंगल में है, सीता जी जब निकली थी भगवा साड़ी पहन के पूरी मर्यादा के साथ सर पे पल्लू रख के निकली थी और आपने कृति सेनन को आप शोल्डर ब्लाउज पहना दिया, कहाँ से लाया वो टेलर ओम राउत जी, सवाल है आपसे। आपको नहीं लगता ऐसी फिल्में बंद होनी चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत कड़े और साफ शब्दों में कहा है कि भाई इस तरीके की फिल्म अगर आप रिलीज करेंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे, रोक लगाएंगे, और मुझे लगता है कि हर स्टेट के मंत्रियों को इसका विरोध करना चाहिए और इस तरीके की फिल्म रिलीज ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए सारे हिंदू संगठनों को, सारे सरकारों को, और मुझे लगता है कि गलत इतिहास प्रस्तुत हो उससे पहले इसको खत्म कर दिया जाए।
500 करोड़ वसूलने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि जिस जो आपने टीजर देखा, लगता है कि आपको 500 करोड़ लगे होंगे? टीजर देखिए, ये चूंकि VFX GFX का कमाल रहता है, तो इसमें पैसे लगाते हैं ये लोग, और पैसे को किसी भी हद तक पाने के लिए वो जा सकते हैं। वो विवाद खड़ा करते हैं, विवाद खड़े करने के बाद जो सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार होता है, लोग आदि पुरुष को ऐसे ही जान गए कि आदि पुरुष नाम की एक मूवी आ रही है, लेकिन ये पैसे वसूल कहाँ से करते हैं ये समस्या थोड़ा सा परे है। घटिया सी पब्लिसिटी, सैफ अली खान अचानक से आ जाता है कि साहब मैं अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने तैमूर रख दिया। मूली उखाड़ते दिखते हैं और खबर बनती है, हाँ तैमूर खान मूली उखाड़ रहे हैं, साहब खबरें बन रही। ये घटिया पब्लिसिटी स्टंट है अपनी फिल्म को चलाने के लिए। जैसा ब्रह्मास्त्र में हुआ था, वैसा ही अभी आदि पुरुष में हुआ, अन्य फिल्मों में भी। जब इनको लग जाता है कि इनकी स्टोरी खोखली है, और ऐसे कई फिल्में आए जिन्होंने हमारा इतिहास बिगाड़ने की कोशिश की, घुटनों के बल गिर के मरी और ये फिल्में नहीं चली, वैसे ही इनको ये अंदाजा लग चुका था कि इनकी ये फिल्म भी पर्दे पर नहीं चलेगी, इसीलिए इन्होंने घटिया पब्लिसिटी का सहारा लिया है। तो शेफाली जी, क्या लगता है अब इस मूवी का क्या होना चाहिए? अब जनता कहाँ तक आए? जनता अब सड़कों पर आएगी, बायकॉट जैसा जो शब्द निकल के आता है, फिल्म का बायकॉट होगा। छपरी, सड़क छाप, छिछोरे, ये जितने डायरेक्टर और जितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये हरकत की है, नीचता की हद दिखाई है, उन सब का कंप्लीट बायकॉट होगा और इनको सड़क पर लाया जाएगा। ये जो 500 करोड़ की बात करते हैं ना, इनको 500 रुपए भी कमाने को ना मिले, इसके लिए जनता खुलकर सड़कों पर आएगी। तो साफ तौर पर कहना है कि जनता खुलकर सामने आए, जैसे छिछोरे और नशीले जो डायरेक्टर और जो निर्देशक और जो कलाकार हैं, इनको सबक मिले। सत्यम, जब नहीं चलेगी तो जैसे रणवीर सिंह ने किया, बिल्कुल कपड़े उतार के सड़क पर आ जाएंगे। इनको तो बस दिखना है, उसके लिए लोग कपड़े भी उतार सकते हैं, सड़क पर भी आ सकते हैं। मतलब हद करते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए, इसलिए जनता समझदार है, इतना जानती है कि इनको कैसे सड़क पर लेकर, पहले छिछोरीपंती करते हैं और फिर बायकॉट के ट्रेन पर रोते हैं। ये कंप्लीट नशीले, नशेड़ी, ड्रग एडिक्ट जो हमारी पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इसलिए जनता को अब सड़कों पर आने की जरूरत है। चलिए, तो जनता इस मूवी को लेकर विरोध में सड़कों पर आए। फिलहाल चर्चाएं खास में इतना ही, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज।